गौरतलब है कि राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी लंबे समय से उम्र कैद की सजा काट रही है। उसने बेटी की शादी के लिए कोर्ट से पैरोल मांगी थी। इस पर कोर्ट ने पैरोल की मांग को 5 जुलाई को मंजूरी दे दी थी। हालांकि नलिनी ने 6 माह की पैरोल मांगी थी, लेकिन उसे मात्र 1 महीने के बाद पैरोल मिल पाई है। बताया जा रहा है कि नलिनी की बेटी लंदन में रहती है। पैरोल के लिए किसी वकील ने पैरवी नहीं की, बल्कि नलिनी ने खुद पैरवी की थी। नलिनी ने अपनी दलील के दौरान कहा कि हर दोषी को जेल में 2 साल की सजा पूरी करने के बाद 1 महीने की छुट्टी का अधिकार होता है और उसने 27 साल से एक बार भी छुट्टी नहीं ली है। इससे पहले नलिनी ने तमिलनाडु राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से दोषियों को रिहा करने के निर्देश देने की मांग की थी। गौरतलब है कि चेन्नई के पास एक चुनावी रैली में राजीव गांधी से मिलने के दौरान लिट्ठे संगठन की आत्मघाती हमलावर महिला ने खुद को उड़ा लिया था। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 7 दोषियों में पेरारिवनल मुरुगन, नलिनी, शांतन, रविचंद्रन, जय कुमार और रॉबर्ट पायस शामिल है। ये सभी 21 मई 1991 से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में जेल में हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।